हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं हरियाणा फार्म और आज के हम इस वीडियो में हम आपको कुछ टमाटर की खेती दिखाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया गया है यहाँ। और हम देखते हैं पीछे भी हमारे कुछ भाई लोग हैं जो पूरी वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन हम आज स्पेशल आपको टमाटर की खेती दिखाएंगे किस तरह हरियाणा के फार्म में लगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये टमाटर का पूरा खेती है, ये हरियाणा का फार्म है। देख सकते हैं काफी सारे टमाटर वेस्ट हो रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पक चुका है टमाटर, आधा टूट भी रहा है। तो देख सकते हैं स्पेशल हम यहाँ एक भावरी बांध है, उस बांध को घूमने आए थे, जिसका एक नाम और नंगारधार बांध के नाम से जाना जाता है, जो इधर पड़ रहा है, जो झील में दिख रहा है। ये जो पानी दिख रहा है, जो वाइट वाइट, ये इसे नंगारधार बांध और थावरी बांध, क्या क्या बांध बोलते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से बांध तो नहीं दिख रहा, पर उसका जो पानी है वो दिख रहा है। और नीचे काफी अच्छा हरियाली है, काफी अच्छा लुक है। और देखते हैं, काफी यहाँ बहुत बड़ा प्लांट है जो हरियाणा वालों का है, और पूरा प्लांट में आपको मिलेंगे टमाटर का खेती। तो देखते हैं, काफी अच्छा स्टाइल से लगाया गया है, देख सकते हैं। पूरा मैं पन्नी पॉलिथीन कवर किए हैं ताकि एक घास ना उगे करके। देख सकते हैं साइड में घास कैसा है, लेकिन जिस जगह में टमाटर है उस जगह में एक भी घास देखने के लिए नहीं मिलेगा। देख रहे हैं पूरे में टमाटर लगा हुआ है और पूरा टमाटर पक चुका है। कुछ पेड़ों में तो बहुत ज़्यादा पक चुका है, जैसे कि इस पेड़ को देख सकते हैं आप, ये पूरा टमाटर खराब हो रहा है। ज़्यादा टमाटर होने के कारण यही हाल होता है। तो दोस्तों ये हरियाणा वालों का प्लांट है और मेरे दोस्त भाई आगे पक चुके हैं, जा चुके हैं। और साथ ही एक पौधा और दिखाऊंगा, ये जो सामने का पौधा देख रहे हो आप, ये महुआ का पौधा है जो फायदावंत भी है और नुकसान भी है, क्योंकि इसी महुआ के फल से क्या शराब बनता है, देसी शराब बनता है, और इसी महुआ के फल से ही फूल से शराब बनता है, और फल से तेल भी निकाला जाता है जिसको खाते भी हैं लोग। और भी एक पौधे से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, जो काफ़ी वो भी फायदावंत भी है, नुकसान भी है। ये जो पौधा देख रहे हो आप, ये तेंदू का पेड़ है, जिसका फल खाते भी हैं, खाने में फायदा है, लेकिन इसके पत्तियों से खास चीज बनाया जाता है जो है बीड़ी, जो काफी नुकसान करता है। इसके पत्ते अभी छोटे हैं, ये पत्तों हैं, इस पत्ते का बीड़ी बनाया जाता है, जो मार्केट में बिकता है बीड़ी, वो इसी पेड़ का पत्ते का बनता है। तो अभी ये छोटा है, अभी कुछ दिन बाद इसका पत्ते टूटेगा और पत्तियों से फिर बीड़ी बनाया जाता है फैक्ट्रियों में ले जाके। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पौधा लगे हैं, जो काफ़ी फायदावंत भी है और नुकसान भी है। और अभी अभी महुआ माता भी निकला है, जो लोग गांव देहात के लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, काफ़ी चंगाई भी पा रहे हैं लोग। तो ये वही महुआ का पेड़ है जिसमें महुआ माता निकलता है, जो फायदा भी है और नुकसान भी है। ओके दोस्तों,